अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस राबिया। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना मैथ्स का काम करना है, सो प्लीज़ टेक आउट योर मैथ्स वर्क बुक्स एंड टेक आउट पेज नंबर 13। ओके स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 13 फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डेट हियर। टुडे इज 3/5। स्टूडेंट्स, पहले हम लोग राइट कर रहे थे डेट, मंथ जो था हमारा वो 4 आ रहा था। अब हमारा मंथ चेंज हो गया है, मई का मंथ स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट हमारा मंथ होता है जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई हमारा जो है वो 5th नंबर पर आता है। 5वें नंबर पर हमारा मई का मंथ आता है। आज हमारी डेट जो है वो 3 है, मंथ हमारा 5 है, 3/5। आफ्टर दैट यू विल राइट सी डब्ल्यू हेयर, देन यू विल राइट डे हेयर। टुडे इज़ मंडे, द स्पेलिंग ऑफ मंडे इज़ MONDAY, मंडे। देन यू विल ड्रॉ मार्जिन लाइन हेयर लाइक दिस। आफ्टर दैट यू विल रीड द हेडिंग, द हेडिंग इज़ राइट इन वर्ड्स। ये हमारा न्यू काम है, आप लोगों ने नर्सरी क्लास में राइट इन वर्ड्स किए हैं, अब हम लोगों ने इनको रिटन में करना है। राइट इन वर्ड्स का मतलब है कि हम लोगों को जो नंबर्स हम लिखते हैं हमने उनको वर्ड्स में राइट करना है। ओके, हम लोगों ने जो हमारे पास नंबर दिया होगा उसको वर्ड्स में राइट करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर है 1, हम लोग इसको पढ़ते हैं 1, तो हम लोगों ने 1 की स्पेलिंग्स राइट करनी है, ठीक है। 1 को हमने वर्ड में राइट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ऊपर राइट हुआ हुआ है 1, ऐसे ही यहाँ पर 1 को राइट करेंगे लाइक दिस। जैसे ऊपर स्पेस दी हुई है ऐसे ही हम स्पेस देंगे और कैपिटल ओ से लिखना स्टार्ट करेंगे, कैपिटल ओ, स्मॉल एन एंड ई, 1। ओके स्टूडेंट्स, एक दफ़ा हेडिंग हम अपनी बोर्ड के थ्रू भी रीड करेंगे, राइट इन वर्ड्स। हम लोगों ने राइट इन वर्ड्स को किस तरीके से राइट करना है, सबसे पहले हम लोगों ने 1 राइट करना है लाइक दिस, देन हम स्पेस देंगे, 1 ब्लॉक को लीव करेंगे और उसके बाद राइट करेंगे स्पेलिंग्स ओ, कैपिटल ओ राइट करना है आपने, देन स्मॉल एन एंड देन ई। जब आप लोगों ने वर्ड्स राइट करने हैं, इनको स्पेलिंग्स में राइट करेंगे आप, तो आप लोगों ने अपनी फॉर्मेशन को माइंड में रखना है। एन को आपने हुक के साथ राइट करना है, जैसे आप लोग अपने इंग्लिश के वर्क में करते हैं। फिर आप लोग नेक्स्ट ब्लॉक को लीव करेंगे, उसके बाद फिर से 1 राइट करेंगे, स्पेस देंगे एंड ओ, कैपिटल ओ, स्मॉल एन, ई, 1, ओ, स्टार्ट विथ कैपिटल ओ, एन, ई, 1। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने आपको बोर्ड पे पैटर्न बताया है, कॉपी पे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। 1 राइट करके 1 ब्लॉक को लीव करेंगे, फिर से 1 राइट करेंगे, ब्लॉक को लीव करेंगे, कैपिटल ओ से स्टार्ट करेंगे, देन एन एंड ई, 1। ओ एन ई, 1, ओ एन ई, 1, 1, ओ एन ई, 1, ओ एन ई, 1, ओ एन ई, 1, ओ एन ई, 1। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको बिल्कुल इसी तरीके से राइट करना है। आज हम लोगों ने जो राइट किया है वो है 1। हमारे पास यहाँ पर हेडिंग दी हुई है कलर 1 ट्री, यहाँ पर 5 ट्रीज हैं, हम लोगों ने कलर से 1 पिक्चर में करना है।
प्यारा प्यारा आपने कलर करना है। कलरिंग आता है कि आप लोगों ने पहले भी क्लास में भी अच्छे तरीके से करनी है। फिर आप लोगों ने बिल्कुल कलर्स बाहर, पहले हम लोगों ने ब्राउन कलर किया, ट्री में ग्रीन कलर कर लिया, ग्रास में भी हम ग्रीन कलर कर लेंगे। इस तरह से हम लोगों ने ट्री को कलर कर देना। एक दफ़ा से हम लोग फिर से पैटर्न देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डेट, टुडे इज़ 3/5, देन यू विल राइट सी डब्ल्यू हेयर, आफ्टर विल राइट डे, टुडे इज़ मंडे, ऑफ मंडे इज़ MONDAY डे मंडे, देन यू विल ड्रॉ मार्जिन लाइन हेयर लाइक दिस, रीड द हेडिंग विथ मी, द हेडिंग इज राइट इन वर्ड्स 1 1 1 1। आप लोगों ने 1 इसी तरीके से राइट, आप लोगों ने एक ट्री में कलर करना है, जस्ट 1 कलर करना है, तमाम ट्रीज़ में कलर नहीं करना। ओके, 1 राइट ही है तो 1 ही पिक्चर में हम कलर करेंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न से स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने काम को कंप्लीट करना है, प्यारा प्यारा करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।